हेलो एंड वेलकम टू नर्चरिंग होम्स। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावलों का इस्तेमाल करते हुए क्रिस्पी और डिलीशियस बड़े। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको बनाने के लिए यहाँ पे एक ब्लेंडर जार में मैं ले रही हूँ एक कप कुक्ड राइस। ये लेफ्ट ओवर राइस है कल रात के। साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगी एक कप रवा या सूजी और आधा कप दही। इन सब चीजों को मैं ब्लेंड करके इस बोल में निकाल लेती हूँ। ध्यान रखिए कि इसे ब्लेंड करते वक्त बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि बड़े बनाते वक्त हमें थिक बैटर ही चाहिए। एट द मोस्ट एक आध टेबल स्पून यूज कीजिए ताकि ये बैटर आराम से ब्लेंड हो जाए। अब क्योंकि हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया था तो इसे रेस्टिंग टाइम देना जरूरी है, तो 15-20 मिनट्स के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच जीरा, कुछ कड़ी पत्ते हैं मेरे पास जो मैं रफली हाथों से यूं तोड़ के इसमें डाल दूंगी, एक बारीक कटा हुआ प्याज, 2-3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, थोड़ा सा अदरक कसा हुआ और हरा धनिया कटा हुआ। इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक ध्यान से डालिए अगर आपके चावलों में भी ऑलरेडी नमक गला हुआ है तो। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये बैटर बहुत ज्यादा गाढ़ा है, इतना कि मुझे मिक्स करते वक्त ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, इसलिए मैं इसमें मिक्स करूंगी 1 टेबलस्पून के करीब पानी। ध्यान दीजिए कि पानी हमें बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना है, क्योंकि हमें बैटर थिक ही चाहिए। थोड़ा सा भी पतला हो गया बैटर तो बड़े ठीक से बनेंगे नहीं। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब ये देखिए कितना थिक बैटर है, ऐसा ही हमें चाहिए बड़े बनाने के लिए। अब ये बैटर रेडी हो गया है, आप इसके इंस्टेंटली बड़े बना सकते हैं। लेकिन बड़े बनाने से पहले मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है पर मैं डालना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इससे बड़े ज्यादा अच्छे बनते हैं और वो अच्छे तरीके से फूल के क्रिस्पी हो जाते हैं। अब सोडा डालने के बाद हम इसे ज्यादा देर रखेंगे नहीं, डायरेक्टली इसके बड़े बना के गरम तेल में डालेंगे। इस बैटर को जब आप चम्मच से यूं गिराने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए बहुत गाढ़ा है। जब आप चम्मच में जोर लगाएंगे तभी ये गिरेगा चम्मच से। यही एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी है जो हमें ये बड़े बनाने के लिए चाहिए। बड़े कैसे बनाने हैं ये मैं अब आपको बता देती हूँ। एक हाथ को पानी से गीला करके थोड़ा सा बैटर अपने हाथों में ले लीजिए और उसका एक बॉल सा बनाने की कोशिश कीजिए इस तरीके से। फिर दूसरे हाथ की उंगली को पानी में डिप करके इस बड़े के अंदर छेद बना दीजिए, जस्ट लाइक दिस। और इसको डायरेक्टली गरम तेल में हम ड्रॉप कर देंगे। एक और बना के दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने एक हाथ पानी में डिप करके गीला कर लिया है, थोड़ा सा बैटर हाथों में लेके उसको हल्का सा राउंड कर लूंगी मैं घुमाते हुए। दूसरे हाथ की उंगली को मैं गीला करूंगी और बीच में छेद बना दूंगी, लाइक दिस। ये देखिए पहला वड़ा मैंने गरम तेल के अंदर डाल दिया है। ध्यान दीजिए कि तेल गरम ही होना चाहिए, ठंडे तेल में मत ड्रॉप कीजिएगा वरना बहुत ऑयली बनेंगे। क्योंकि हमने हाथों को गीला किया था बड़े बनाते वक्त, इसलिए ये आराम से तेल में स्लाइड हो जाते हैं। बस थोड़ा केयरफुली कीजिए और इसको बनाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। वैसे तो बाजार में एक मशीन आती है जिससे आप आराम से ये बड़े बना सकते हैं, तो आप चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एक करके मैंने बड़े इसमें डाल दिए हैं। अब इनको मीडियम आंच पे क्रिस्प होने देते हैं। जब ये दोनों तरफ से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे। इनको तलने में थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम लगता है तो इन्हें आराम से पेशेंस के साथ ही तलिए।
अराउंड 5 मिनट्स मीडियम आंच पे आराम से लगेंगे इनको दोनों तरफ से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने के लिए। बीच बीच में इनको पलटते रहिए ताकि इवनली हर तरफ से अच्छे से कुक हो जाएं। दीज आर डन। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ एक एब्जॉर्बेंट पेपर के ऊपर ताकि इनका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। इनको आप सर्व कीजिए केचप के साथ, चटनी के साथ, ये हर तरीके से बहुत ही स्वाद बनते हैं। या फिर आप इनको सुबह नाश्ते में सांभर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितने क्रंची बने हैं ये। आई होप यू कैन हियर दैट साउंड। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। डू ट्राई दिस आउट और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये कैसे बने। थैंक यू फॉर नाउ। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन सून। बाय बाय।